प्रीता दिखा दी ना अपनी असलियत, जो करने आई थी करके दिखा दिया तूने। इंस्पेक्टर, इस लड़की के किसी भी बात पे बिलीव मत कीजिएगा, ये लड़की हमेशा से ही झूठ बोलती है। देखिए ये प्रीता का मैटर। वन सेकंड इंस्पेक्टर, ये सब इस लड़की का क्या धरा है? वो चाहती ही नहीं कि ये शादी हो। बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, सबको बेवकूफ बनाती है। पर आप तो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आप तो खुद लॉ है, आप बेवकूफ मत बनिए इससे, इसकी बातों में मत आइए। वो बस शादी रोकने की कोशिश कर रही है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे गिरफ्तार करने आए ना, मैं चलूंगा आपके साथ। लेकिन इस शादी के बाद, ये शादी हो जाने दीजिए बस। अरे करण एक मिनट। मिस्टर करण, देखिए मैं ना तो ये शादी रोकने आया हूँ और ना ही आपको अरेस्ट करने के लिए। यही तो यहाँ सबकी प्रॉब्लम है। खुद ही फैसला ले लेते हैं और खुद ही रिजल्ट सुना देते हैं। मैंने किसी को नहीं बुलाया है। अच्छा, तो कहाँ गायब हो गई थी तुम? हाँ, कहाँ गई थी? पागल हो गई है क्या? क्या हाल क्या कर रखा है तूने अपना? कोई जरूरत नहीं है। करण किसी और से शादी करना चाहता है तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? करण चाहता है ना कि मैं उसकी शादी होते हुए देखूं। ठीक है तो मैं देखूंगी, उसकी शादी होते हुए देखूंगी, एक ऐसी लड़की से जो दिल से, दिमाग से, इरादों से, फैसलों से, हर चीज से बुरी है। उसकी शादी होते हुए देखूंगी एक बहुत ही बुरी लड़की से और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कुछ, कहां गई थी? जहां भी गई थी, जो भी कर रही थी, तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मुझे तुम्हारी शादी रोकनी होती तो मैं कब से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती। आई हैड ऑल द रीजंस। और पुलिस ने आकर कब की शादी रोक दी होती? लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। क्योंकि मैं ये चाहती ही नहीं कि ये शादी रुके। नो, तुम मुझे जिस तरह देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी किसी बात पर तुम्हें as usual यकीन नहीं हो रहा है। But it's okay, I don't care, मैंने किसी को नहीं बुलाया। That's it. Excuse me. आप लोग मेरी बात सुनेंगे प्लीज? हमें पता चला है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हम अपनी ड्यूटी करने आए हैं, ना कि आपकी शादी को एंजॉय करने के लिए। अगर शादी एंजॉय करने नहीं आए हो तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे, बता क्यों नहीं रहे हो? आप लोग मुझे बताने का मौका देंगे तो बताऊंगा ना। इंस्पेक्टर एक मिनट, आप प्लीज बताइए कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? आप लोग प्लीज प्रीता जी का गुस्सा इन पे मत निकालिए। एक मिनट, आप इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, आप बताइए आप क्यों यहाँ पर आए? हम यहाँ पर उस किडनैपर के बॉस का पीछा करते हुए आए हैं। इसने आपको और आपके भाई करण लुथरा और प्रीता को किडनैप किया था। या, लेकिन ये आप यहाँ पर क्यों ढूंढने के लिए आए हैं? ये तो शादी, हमारे घर में शादी चल रही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो इस वक्त इसी घर में है। तो
जीत गए तुम प्रीता जी से और मैं जीत गया लूथरा भाइयों से, फिर हम दोनों राज करेंगे। पर हम राज करने के बदले राज बनकर रह जाएंगे अगर तुमने प्रीता जी को हल्के में लेने की गलती की तो। क्या प्रीता, हाँ क्या उसको हल्के में लेने की कोशिश की? तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्रीता को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हो? तुम्हें लगता कि वो बहुत स्मार्ट है? वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। दिमाग यहाँ पर सिर्फ मेरे पास है जो मैं यूज करती हूँ, तुम तो अपना दिमाग कभी भी यूज नहीं करते। आज तक मैंने जो भी काम किया है वो ऑन पॉइंट किया है, और तुमने जो भी किया ना गलत किया है, गलतियों पे गलतियां करते जाते हो तुम। आज भी तुमने गलती कर दी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, यहाँ पर आके शादी में आकर। अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया ना, तुमसे हजार सवाल करेगा और तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा। क्या कहोगे तुम यहाँ पर क्यों आए थे? क्या कहूंगा मैं, क्या कहूंगा मैं? कितना सड़ा हुआ मास्क। सड़ा हुआ नहीं है, गलती से भी इसको सड़ा हुआ मत बोलना। मेरा प्यारा मास्क है, ये मेरा लकी मास्क है। इसको पहनते ही मेरी किस्मत और बुलंद हो जाती है। तुम्हें पता है इसको पहनकर मैंने कितने कांड किए? इसको पहनकर मैंने लोगों को अपनी बॉटल में उतारा है, किसी को पता ही नहीं चलता कि मास्क के अंदर कौन है, मैं या कोई और। आज भी मैं लूथरा उस कैसे आया? इसी मास्क को पहनकर, वो भी बैक गेट से। ना कोई सिक्योरिटी वाला था, ना कोई वॉचमैन, ऐसे लग रहा था कि दरवाजे मेरे लिए ही खोल के रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर गॉड ने मेरे लिए रेड कार्पेट बिछा दिया हो कि आओ पृथ्वी मल्होत्रा, तुम्हारा स्वागत है। इन शॉर्ट, मैं यहाँ पर वो कामों को करने आया हूँ जो तुमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं किए होंगे, उन कामों को जो तुमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से नजरअंदाज किए होंगे। तुम बोलना क्या चाहते हो पृथ्वी? प्रीता जी, फिर से तुम उसका नाम ले रहे हो। नाम क्या, वो साक्षात यहाँ पर है, और अगर वो यहाँ पर है इसका मतलब ये हुआ कि वो करण और मायरा की शादी नहीं होने देंगी। क्या तुम जब देखो तब प्रीता 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 करते रहते हो? प्रीता कुछ नहीं कर सकती, कोई शादी नहीं रोक सकती, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हें लगता है वो स्मार्ट है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो, क्यों करते हो ऐसा। वैसे भी पृथ्वी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुमसे वो तुम्हारी प्रीता जी की स्टोरी सुनने का। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो प्रीता के लिए जुनून है, मुझे वो खत्म कर दे। अरे कोई जुनून नहीं है, ना ही मैंने अपना दिमाग ऐसे सेट कर रखा है। फालतू हो तुम, बेबी मेरा मतलब है फालतू की बकवास कर रही हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख के ले लो तुम। अगर प्रीता जी यहाँ पर है ना, तो वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर करण और मायरा की शादी नहीं होने देंगी। पृथ्वी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बात ना ही सुन रहे हो, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हो। नीचे करण और मायरा की शादी हो रही है, फेरे स्टार्ट हो गए। कितने फेरे होते हैं? सात। कितना वक्त लगता है? पांच मिनट, दस मिनट। दस मिनट, दस मिनट से क्या कर रहे हैं हम? क्या मच्छर मार रहे हैं? दस मिनट से हम नोक जोक कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इन दस मिनटों में करण और मायरा की शादी हो चुकी हो गई होगी? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नीचे जाके सबके सामने मत आ जाना, दूर से देखना। जब तक हम नीचे पहुंचेंगे ना, करण और मायरा बड़ों के आशीर्वाद ले रहोगे, लेकिन तुम प्लीज किसी के सामने मत आना। चलो चल के देखते हैं कि तुम सही या मैं गलत। चलो, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, देखते हैं। वो किडनैपर इस घर में? जी हाँ, हम उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं, उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा। देखिए, हमने उसकी डिटेल्स हमारे सारे खबरियों को दे दी थी, यहाँ तक कि हमने आपके घर के बाहर हमारे सिविल ड्रेस में कुछ ऑफिसर्स खड़े किए थे ताकि वो हर आने जाने वाले पर नजर रखे, और उन्होंने ही हमें बताया कि उन लोगों ने उसे अंदर आते हुए देखा है। और हाँ, पते की बात यह है कि उसने वही मास्क पहना हुआ है जो उसने आपकी किडनैपिंग के वक्त पहना था। हम मास्क था उसके पास। ओह गॉड, शोलिन का फ्रेंड खतरे में है। और ये शोलिन कहाँ है? उसे जल्द से जल्द ये न्यूज़ देनी होगी ताकि वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ कर पाए। लेकिन इंस्पेक्टर, हम लोग इतना ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल वो अब तो भाग गया होगा ना। वो भी यही है। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ। क्या काम? तुझे किडनैप करने का। तुझे किडनैप करने आया होगा इस घर में। मेरे होते मेरे ऋषभ को कोई हाथ लगा के दिखा दे, उसकी जान ले लूंगी मैं। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। पानी आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऋषभ यहाँ हम सबके बीच में है। किडनैपर की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऋषभ को यहाँ सबके बीच से उठा के लेके जाए। अच्छा, कुछ नहीं होगा, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। पर इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि किडनैपर है कहाँ, अंदर है या बाहर? नहीं, वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर सिविल ड्रेस में हमारे ऑफिसर्स खड़े हैं।
वो डेफिनेटली इसी घर में है और कहीं छुपा हुआ है, और ऐसी जगह पर छुपा हुआ है जहाँ पर उसे पता है कि मिस्टर ऋषभ और मिस्टर करण लुथरा किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए वहाँ जा सकते हैं, और जैसे ही इन दोनों में से कोई वहाँ जाएगा वो इन्हें किडनैप कर लेगा। सो इससे पहले कि वो इनको किडनैप करे, हमें पूरे घर की तलाशी लेकर उसे पकड़ना होगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। करण, आप लोग सब इधर रहिए, प्लीज सेफ। मॉम, मैं आती हूँ, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। सिक्योरिटी, कोई बाहर वाला घर के अंदर घुस आया, तुम लोग कर क्या रहे हो वहाँ पे? ध्यान नहीं है तुम लोगों का? पीता अरोरा भी घर के अंदर आ गई, और इस बार कोई आदमी आया है, ढूंढो उसे। क्या? अरे इतने सवाल मत पूछो, मैं तो कहती हूँ हमने जो सोचा ना उसे कर ही डालते हैं। चलो एक मिनट, क्या हो गया? ये जो तुम्हारा प्लान है, एक बार मैं दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो तुम्हारे प्लान के हिसाब से हम करण भाई के जूस में कुछ मिलाएंगे, yes. ताकि वो बेहोश हो जाए, होश में और ये शादी ना हो। यही प्लान है ना? यही प्लान है और ये सही प्लान है। चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? अरे एक मिनट सैमी, वो जो नशे वाली चीज जो तुम करण सर के जूस में डालने वाले हो, आई होप वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि अगर ऐसा है ना तो एक बात तो तय है कि आज ये शादी रुक जाएगी, और सेकेंडली आज दोबारा ये शादी होगी नहीं। क्या कर रही हो? अरे यार, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो चीज मुझे मिल नहीं रही है। तुम मुझे बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, मुझे सब मालूम है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, बताओ क्या चाहिए। अरे यार सैमी, मुझे मेथी और पुदीने के बीच का फर्क एक साल पहले ही पता चला है, तो मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ? क्या कमाल की कलाकार हो तुम, प्रिटेंड तो ऐसे करती हो जैसे सब कुछ मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, यूजलेस। हेलो, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं दूसरों के प्लान पे ऐसे उंगली उठा रही हूँ। यार तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो, तुम अगर बाहर की शादी होगी ना, मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, और जिंदगी भर मुझे ये एहसास होगा कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए उस जंगली बिल्ली पार्ट टू माहिरा की शादी करण सर के साथ हो गई। तुम्हें पता है ना ये एक कलंक है जो तुम्हारे माथे पे छप जाएगा जिंदगी भर के लिए। कैसे रिएक्शन दे रहे हो यार, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती ना, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मत करो तुम मेरी हेल्प। अरे नहीं चाहिए किसी की हेल्प यार, अरे मैं अकेली काफी हूँ खुद के लिए। एक मिनट, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ओके? जो चीज तुम्हें चाहिए ना वो मेरे रूम में, पिल्स। हम एक काम करते हैं, करण भाई के जूस में पिल्स मिला देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए, होश में ना हो, शादी ना हो। आज तो छोड़ो, क्या दोबारा भी ये शादी नहीं होगी, ठीक है? हैप्पी? वाओ सैमी, यू आर ग्रेट। तुम्हारे कमरे में चले वो पिल। ओह पिल्स लेनी है, साथ साथ जूस भी ले लेते। पूरे घर में देख लिया, फोन भी नहीं लग रहा है, शॉलिन कहाँ चली गई, भी आ गया है और ये नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? प्रॉमिस किया था इसने मुझे कि कुछ नहीं होगा इसकी वजह से, और शोलिन और उसके फ्रेंड की वजह से मेरी शादी रुक जाएगी। फिर से ट्राई करती हूँ। शोलिन, क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर, यहाँ से सारे रूम स्टार्ट हैं, आइए पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। वाह,
गोली तो इसमें ऐसे घुल मिल गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि जूस में कुछ मिला हुआ है यार। छोड़ो, एक काम करते हैं, अभी जल्दी से करण सर के पास जाते हैं, उनको मैं एक ग्लास दे दूंगी और वो ये पी लेंगे और फिर अपना काम। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो चलो चलो। मेरे पीछे कौन है? वो किडनैपर तो नहीं? नीता, कहाँ जा रही हो? तुमने देखा करण की शादी हो गई, वो ऊपर आ गया और वो प्रीता को ढूंढ रहा है। कौन? धीरे बोलो, तुम इतनी मेहनत से जो लूथरा उसने अपनी पोजीशन बनाई ना, उस पोजीशन की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर कुछ सुन लेगा तू। धीरे बोलो। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, आज चुप क्यों रहती हैं? ऐसे तो बहुत बोलती रहती हो, यहाँ क्या करी? प्रीता को ताली मार रहा है। इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं यहाँ कुछ बोलने या सुनने नहीं आई, फिर भी तुम मुझे बहुत देर से सुनाते जा रहे हो। यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारी वेडिंग अटेंड करने आई हूँ, जो होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे अपनी शादी करो, खत्म करो, मेहमानों की छुट्टी हो, घर जाए। इंस्पेक्टर कोई मिला? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डंडा प्लेयर इंस्पेक्टर से क्या बोल रहा था? क्या पूछ रहा था? कोई मिला क्या? कौन मिला? किसको मिलने की बात कर रहा? मतलब करण की शादी नहीं हुई क्या? बोला था मैंने तुमसे, जो मैंने कहा था वही सही हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि प्रीता जी अगर यहाँ होंगी ना तो वो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की शादी माहिरा से नहीं होने देंगी। रुक गई ना शादी, या फिर यूं कहूं कि प्रीता जी ने रोक दी शादी को। ट्रस्ट मी, मैंने कहा था कि प्रीता शादी में सबसे बड़ा पत्थर, शादी रुके तो मैं क्या करूं? तुम सबसे पहले इधर आओ, इधर आओ तुम सबसे पहले। तुम ना, मैंने बोला था, मैंने कहा था से बाहर निकलो, अपनी आंखों का और दिमाग का एंटीना ऑन करो। देखा नहीं तुमने? पुलिस आ गई यहाँ पर, इंस्पेक्टर आ गया है। क्यों आया वो मैं बताता हूँ। प्रीता जी ने बुलाया होगा शादी रोकने के लिए। कानून का इतना हक तो बनता है उनके हाथ में। तुम्हें लगता है अगर प्रीता बीवी के हक से पुलिस को यहाँ पर लेकर आती तो क्या पुलिस ऊपर घूमती किसी को ढूंढने के लिए? अब ये मत कहना कि पुलिस यहाँ मुझे। हाँ, तुम्हें अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन आई एम श्योर हमारी तलाश जा रही है, वो मिल जाएगा। अरे मुझे इतनी हैरानी हो रही है उस आदमी की, इतनी हिम्मत हो गई हमारे घर के अंदर घुस गया, वो भी शादी के दिन। हद होती है यार। करण ये एग्जिट है, तू इधर ही रुक, अगर वो भागेगा तो यहीं से भागेगा। मैं इंस्पेक्टर को बाकी के रूम से चेक करवाता हूँ। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? आइए। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वो छोड़, तू बता तू कहाँ था? मैं वो भाई वो एक्चुअली करण सर वो ये आपके लिए जूस बनाने गया था, तो मैं इसकी जूस बनाने में मदद कर रही थी। अच्छी खासी मेहनत करवाई है उसने, पहले जूस भी बनवा लिया मुझसे, उसके बाद जूस मेरे हाथ में थमा दिया और अब आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये लीजिए ना करण सर, आपके लिए स्पेशली। थैंक यू सृष्टि। लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है। हाँ, वो एक्चुअली किडनैपर को पकड़ना है जिसने ऋषभ को किडनैप किया था। वो किडनैपर इस वक्त इसी घर में है। क्या हुआ? एक मिनट, वो ऋषभ को किडनैप करना चाहता ना, इसका मतलब ऋषभ के रूम में होगा। मैं देखता हूँ भाई। जूस, अरे यार करण सर ने तो ये जूस पिया ही नहीं सारी। जल्दी चलो। मुझे पुलिस, मुझे ये। मैंने कहा था ना कि तुम पकड़े जाओगे, पुलिस आ गई ना। आप बताओ कौन कॉन्फिडेंट है और कौन ओवर कॉन्फिडेंट है? अभी तुम मुझसे क्या कह रहे थे कि मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, तुम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। कम करो, तुम्हारा लकी मास्क ना इससे लगाओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसे मिस्टर इंडिया बनते हो, मेरा मतलब कैसे गायब हो तुम। जाओ करो करो। पीपी,
यहाँ से नहीं भाग सकता। 100% कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा। अब तुम ही हो जो मुझे छिपा सकती हो, मुझे बचा सकती हो। देखो तुम इस घर में रहती हो ना, तुम जानती हो कि कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं है। कोई सेफ जगह पे मुझे छिपा दो ना, जहाँ मैं सेफ रह सकूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम अभी बहुत होशियार बने थे, अब क्यों भी की बिल्ली बन गए हो? तुम्हें चुप करना, तुम करो, मैं जा रही हूं। बेबी प्लीज, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, प्लीज मुझे बचा लो, किसी सेफ जगह पे छिपा दो जहाँ मैं सेफ रह सकूँ, कोई मुझे देख ना सके। प्लीज प्लीज बेबी प्लीज, सोचो बेबी, जल्दी सोचो, वरना वो लोग आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ से कहीं से भी आ जाएंगे। बेबी प्लीज मुझे बचा लो, कहीं छिपा लो सेफ जगह जहाँ मैं। काम करो, तुम टेबल पे जाओ, तुम टेबल जाओ।